हेलो फ्रेंड्स, सुबी की टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ी स्टाइल में मूली और बैंगन। 3 चम्मच तेल ले लिया, 1 चम्मच जीरा डाला है, 2 बारीक कटे हुए प्याज डाला है, हल्का सा ब्राउन होते तक तल लेंगे। फिर मूली को मस्त छील लिया है, धो लिया है, बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। अब इसे करीब 5 मिनट लो फ्लेम में तलते रहेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में फेमस है मूली के साथ बैंगन बनाना, दोनों को साथ में ही बनाया जाता है, तभी तो ये स्वादिष्ट लगती है, वरना नहीं लगती है। अब देखिए मूली हल्का हल्का फ्राई हो गया है, अच्छी तरह से तला चुका है। अब इसमें मैं डाल दी हूँ 3 से 4 कटे हुए बैंगन। बैंगन को भी मस्त धो लिया, काट लिया, फिर धो लिया, इसे भी ढक कर के तल लेते हैं। मूली और बैंगन बहुत ही अच्छी तरह से तला चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े बड़े बारीक कटे हुए लाल टमाटर, ताकि थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आए। सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब मैं मसाले डालती हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा तीखा और चटपटा बनाना है हमें इसे। सभी मसालों को मिक्स कर लेती हूँ और ढक करके पकने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मूली थोड़ी हार्ड होती है, उसे कढ़ाई में बनाना है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ करीब 1 ग्लास पानी डाला है। सभी मसालों को पानी से मिक्स कर लेते हैं और ढक करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाना पड़ेगा मीडियम लो फ्लेम में, तभी जाके आपकी मूली पकेगी और हमारी बैंगन और मूली की सब्जी तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, मूली बैंगन की सब्जी तैयार है। अब उसे बाउल में निकाल लेते हैं और हरी हरी धनिया पत्ती डाल देते हैं। फिर मैंने मूली को किस के रखा था पतला पतला, उसे भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ, सजा लेती हूँ, सोची उसे डाल देती हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ती और डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मूली बैंगन की छत्तीसगढ़ी स्टाइल में कैसी लगी? थैंक यू।